रात्ता तो अनडाउटेडली जी बहुत स्पेशल वाला है आपका और मेरा। हाँ जी 98.3 मिर्ची पर मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा, और आज जो स्टूडियो में है ना भाई, इनसे भी हमारा रात्ता बहुत ही खास है। एक तो इस वजह से कि शी इज समवन जो जम्मू में रोल मॉडल की तरह काउंट होती है, यूथ आइकन की तरह काउंट होती है, एंड सेकेंड प्लस पॉइंट ये वाला है कि शी वॉज माई कॉलेज फ्रेंड एज वेल। ये बात अलग है कि हम कॉलेज में 4 साल में एक ही बार मिले हैं। उपासना महाजन है मेरे साथ स्टूडियो में आज। शी इज समवन जिन्होंने पावर लिफ्टिंग की दुनिया में जम्मू की लड़कियों के लिए एक माइलस्टोन सेट किया, एंड नॉट जस्ट जम्मू के लिए बट पूरे देश के लिए, व्हेन शी रिप्रेजेंटेड इंडिया इन वर्ल्ड चैंपियनशिप। सो उपासना जी, क्या हालचाल? आई एम गुड, थैंक यू। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। It's so nice, ना मजा आ रहा है। Second time I'm here, no? Yes, I love it. इससे पहले breaking stereotypes जब श्वेतमा का चल रहा था उसमें उपासना was there, and ट्रस्ट मी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, यू शुड डेफिनेटली गो बैक ऑन माय फेसबुक पेज मिर्ची श्वेतमा एंड चेक आउट आर वीडियो, बिकॉज वो बहुत ही गपशप और फुल कहते ना डिटेल जिंदगी की हमने आपके सामने रख दी थी। बिल्कुल डेफिनेटली। सो आज का इंटरव्यू क्यों हो रहा है, क्यों है उपासना मेरे साथ स्टूडियो में, ये मैं आपको बताऊंगी बस थोड़ी सी देर में। यू स्टे ट्यून्ड टू 98.3। और आज के शो में भाई बहुत सारे रंगों का तड़का लगने वाला है क्योंकि फुलकारी की बात होने वाली है। तो सुनते रहो मिर्ची, क्योंकि हर एंटरटेनमेंट मिर्ची फील सुबह ना दो वजह से और स्पेशल हो जाती है, एक अमेजिंग वाले गानों से और दूसरा जब आप अमेजिंग वाले लोगों से मिलते हैं, है ना। 98.3 मिर्ची ट्यूनिंग किए जी आपने जम्मू की हैपीएस्ट फ्रिक्वेंसी। मैं हूँ आपके साथ श्वेतमा, और आज स्टूडियो में मेरे साथ है उपासना महाजन, हमारी जम्मू की एक ऐसी पावर लिफ्टर जिन्होंने सिर्फ नेशनली ही नहीं इंटरनेशनली पावर लिफ्टिंग में जम्मू कश्मीर को भी नहीं इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। सो उपासना, फुलकारी की अगर प्रिसाइजली बात करें, है ना, यू आर अ वेरी कलरफुल पर्सन, है ना। यस। सो उपासना के जो इतने सारे ट्रेड्स हैं, मतलब इंजीनियर है, उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर चुकी है, देन शी इज इनटू एजुकेशन जोन, एंड देन पावर लिफ्टिंग को अपना पैशन से प्रोफेशन बनाना, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फेज कौन सा था? इनफैक्ट सारे इंटरेस्टिंग फेज थे आई थिंक, बट जब एमएनसी से मुझे एजुकेशन में स्विच करा था, दैट वाज यू नो मोर चैलेंजिंग, एंड आई थिंक रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा मुझे उसी में मिला था, बिकॉज मेरे डैड का गलत नहीं है बट उनका एक परसेप्शन है कि नो एमएनसी मीन अ गुड जॉब, बड़े लोग, गुड सैलरी, अच्छी लाइफ, अच्छी लाइफ। तो जब एक टीचर के लिए बोलते हैं, वो बोलते हैं क्या बस टीचर बनना रह गया है क्या, तो एक परसेप्शन था और वो चीज मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग भी थी, और दूसरा एक मोटिवेशन भी था, क्यों टीचर्स क्या सिर्फ जो एवी होती वही बनते हैं क्या, हम लोग इसमें उतरना चाहिए ना। तो बस मुझे लगा यार चल लेट्स प्रोफेशनल्स उस लाइफ में उतरेंगे, उस फील्ड में जाएंगे तो बाकियों को प्रोफेशनल्स बनाएंगे ना। देखा जाए तो कितनी अजीब बात है कि टीचर्स वो हैं जिनकी वजह से हम हैं। एग्जैक्टली। और उसी प्रोफेशन को शायद उतनी इज्जत आज तक नहीं दी जाती। यस। सो मैंने बताया था जम्मू आपसे कि क्यों है उपासना आज स्टूडियो में, फुलकारी की मैं बार बार बात कर रही हूँ, एंड फुलकारी के बारे में आप ऑलरेडी सुन भी चुके होंगे, है ना। सो इसकी डिटेल्स थोड़ी और आपके लिए हम लेकर आने वाले हैं 98.3 मिर्ची पर। मैं हूँ श्वेतमा और स्टूडियो में मेरे साथ है उपासना महाजन। सुनते रहो मिर्ची, क्योंकि अब हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है। देखो जी तो बहुत कुछ करता है, बट सब कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल हो ये जरूरी नहीं, है ना। 98.3 मिर्ची पर मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा, और स्टूडियो में मेरे साथ है उपासना महाजन। और स्टूडियो में इन्हें बुलाने का एक बहुत बड़ा सा मकसद है, मकसद ये है कि जम्मू में बहुत कम बार ऐसा होता है कि एक ऐसा कॉन्सर्ट हो रहा है जिसके साथ एक अवार्ड सेरेमनी भी होगी। सो कॉन्सर्ट होने वाला है जी 28 मार्च को गुलशन ग्राउंड, शाम 5 बजे से अफसाना खान परफॉर्म करेंगी, गुरसाज परफॉर्म करेंगे, और परफॉर्म करेंगे जम्मू के बहुत ही अमेजिंग से आर्टिस्ट। बट उसके अलावा जो इस पूरे फंक्शन का जो टीआरपी है, मुझे लगता है उन आर्टिस्ट को, उन लोगों को एक्नॉलेज करना है जिन्होंने जम्मू का नाम एक है ना ताज की तरह बार बार देश के नक्शे पर सजाया है, और इसीलिए उपासना आज मेरे साथ स्टूडियो में है। एंड उपासना सीरियसली इट्स सच अ प्राउड मोमेंट सीइंग यू गेटिंग दिस अवार्ड, एंड आपकी उस मेहनत को वो रिकॉग्निशन मिलना। एग्जैक्टली। यूजुअली हम बचपन से क्या होता है, जब भी अगर हम कुछ अच्छा काम करते हैं ना, हमें टीचर गुड भी बोलते ना, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो अभी जम्मू में एटलीस्ट इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इवेंट जब वो हमें बोलते ना ओके उपासना गुड यू हैव डन इट, तो इतना प्राउड फील होता है, फिर लगता है नहीं यार और भी करना है, और भी करना है, कुछ मोटिवेशन फील मतलब लगता है इसमें।
तो आई एम रियली थैंकफुल टू देम. उन्होंने मेरे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अवार्ड देने का डिसाइड किया है एंड इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया. अब जम्मू लगता है एडवांस हो रहा है यार, अपना जम्मू भी कुछ पीछे नहीं रह गया है, आगे चल रहा है. बिल्कुल कुछ नया होने वाला है हमारे जम्मू में. एंड स्पेशली आई एम फीलिंग सो हैप्पी एंड प्राउड कि अक्सर ऐसा होता था कि हमारे जम्मू के लोग बाहर तो नाम कमा कर आते हैं बट हमारे अपने ही लोग उनको वो वैल्यू नहीं देते, जानते ही नहीं है. सो दिस इज दैट वन प्लेटफॉर्म जो शायद उन लोगों को भी हमारी थोड़ी सी कदर करवाएगा. हाँ, और हम जैसे और भी लोग आगे लेके आएगा. बिल्कुल बिल्कुल. सो 98.3 मिर्ची जम्मू आप सुनते रहो. मैं हूं श्वेति और स्टूडियो में मेरे साथ है उपासना. सुनते रहो मिर्ची क्योंकि अब हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है. तो बिल्कुल है कि हम अपने आर्ट और आर्टिस्ट को रिकॉग्नाइज करें, है ना. 98.3 मिर्ची ट्यूनिंग कीजिए आपने जम्मू की हैप्पीस्ट फ्रिक्वेंसी. मैं हूँ आपके साथ श्वेतिमा एंड स्टूडियो में मेरे साथ एक ऐसे ही आर्टिस्ट हैं. आर्टिस्ट ही बोलूंगी इनको क्योंकि हर फॉर्म जो भी आप अपनी लाइफ में करते हैं, जिस तरह से आप अपने हॉबी को एक पैशन बनाते हैं और उसे प्रोफेशनली आगे लेके जाते हैं, इट इज एन आर्ट. और उतनी डेडिकेशन, उतना स्ट्रांग होना फिजिकली से ज्यादा माइंड में, वो शायद सबसे जरूरी है. एंड फुलकारी 2021 जो हमारा इवेंट होने वाला है 28 तारीख को गुलशन ग्राउंड 5 बजे से, उसमें अफसाना खान, गुरसाज जैसे अमेजिंग आर्टिस्ट परफॉर्म तो करेंगे ही, साथ ही में ऑनर किया जाएगा उन लोगों को जिन्होंने जम्मू का नाम बार बार रोशन किया है. एंड इसीलिए उपासना भी है आज मेरे साथ स्टूडियो में. उपासना, आप हैप्पी मोमेंट्स की बात सब करते हैं, प्राउड मोमेंट्स की बात सब करते हैं. आई रियली वॉन्ट कि आप जम्मू को अपने कुछ ऐसे चैलेंजेस बताओ जिनको ओवरकम किया आपने और जितनी बार गिरे उतनी बार उठे वापस, ताकि कभी अगर कोई लड़की सपना देखे तो उसे पता हो कि मुझे किस रास्ते पे जाना है. ट्रू. एक्चुअली क्या होता है, हम लोग मैं चैलेंजिंग की बात जरूर करना चाहती हूँ बट उसके पहले मैं एक, हम सोचते हैं, हम एक्सपेक्टेशंस रखते हैं लोगों से. हम सोचते हैं दिल्ली में होते हैं तो ऐसा माहौल मिलता है, जम्मू में ऐसा माहौल क्यों नहीं है, क्योंकि हमने स्टार्ट ही नहीं किया है. तो जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, चैलेंजेस तो हमें आएंगे बिकॉज वी आर द इनिशियल पीपल ना, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. एग्जैक्टली. हम जब स्टार्ट करेंगे, चैलेंजेस फेस करेंगे सोसाइटी से, तो यू नो ऑपोजिशन डेफिनेटली आएगा बिकॉज यहाँ पे ये चीज होती नहीं आई आज तक, फर्स्ट टाइम हो रही है. तो जो भी चीज फर्स्ट टाइम होती है उसमें मैक्सिमम आपको रेबल फील होता है, बट यू हैव टू बी स्टे स्ट्रांग. आप कर पाओगे ना तो रास्ते खुल जाएंगे नेक्स्ट जो जनरेशन आने वाली है उनके लिए. तो जितने भी चैलेंजेस रहे हैं वो अकेले मैंने फेस नहीं किया, मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है, मेरे फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया है. आई वॉन्ट से कि मैं वुमेन हूं तो मुझे सिर्फ वुमेन ने सपोर्ट किया, मैन ने नहीं किया. मेरी सक्सेस का मेजर पार्ट मैन है. मेरे बहुत मेल फ्रेंड्स हैं, मेरे डैड, मेरे फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग हैं, मेरे टीचर्स तक हैं, मेरे कॉलेज के टीचर्स, एलपीयू के टीचर्स तक हैं जो मेरी सपोर्ट में रहते हैं. तो चैलेंजेस होते गए बट साथ साथ यू नो उनका सपोर्ट भी मिलता गया. एंड वो बैठा है ना ऊपर वाला, सब देख रहा है, सब होता गया. तो बस अपने आप ही जल्दी, इतना जल्दी सब कुछ मिल गया कि पता चला ही नहीं टाइम निकल कैसे गया 2-3 साल. तो अब तो अच्छी अच्छी मेमोरीज याद रहती हैं, बुरा बुरा लगता है, कुछ तो था ही नहीं, सब ओके हो गया. क्या बात है. एंड लिटरली जिंदगी में कभी भी अगर हम एक मुश्किल रास्ता क्रॉस कर लेते हैं ना, जब क्रॉस कर लेते हैं फिर रियलाइज होता है कि अरे ये तो हमने कर भी लिया. एग्जैक्टली. इतना भी डिफिकल्ट नहीं था जितना सोचा था, कि चलता है, अब चलता है, हो गया, सीख लिया ना, लेसन तो मिल गया, सीख लिया. एंड इट्स राइटली सेड दैट इट्स ऑल इन योर माइंड. अगर यहाँ सोच लिया तो भाई जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है. सो 98.3 मिर्ची जम्मू आप सुनते रहो, श्वेतिमा रहेगी आपके साथ. एंड उपासना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर. एंड वी रियली होप कि ऐसे ही आप अपने लिए नए मुकाम सेट करते रहो और हमें बार बार आपको यहाँ बुलाने का मौका देते रहो. थैंक यू सो मच. एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कम 28 मार्च 5 PM ऑनवर्ड्स फुलकारी इवेंट गुलशन ग्राउंड जम्मू. बिल्कुल सुनते रहो जम्मू मिर्ची क्योंकि अब हर एंटरटेनमेंट में मिर्ची है.